कामदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वो भोंगीपुर नगर में रहता। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्रेम करते। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता और एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना ही रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वो विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी के व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा की। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इस तरह दोनों के जीवन से हर तरह का संकट मिट गया और वो सुखी जीवन जीने लगे।